वेलकम टू रूपीज किचन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज रूपीज किचन में हम बनाने वाले हैं एग भुजी पराठा। इस पराठे को हम थोड़ा बड़ा पराठा बनाएंगे नॉर्मल साइज से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एग भुजी पराठे के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मूंगफली की चटनी बना रही हूँ ताकि हम जब पराठे रेडी हों तो तुरंत इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकें। मुझे मूंगफली की चटनी पसंद है पराठे के साथ। अगर आपको जो भी चटनी पसंद है वो बना सकते हैं और अचार के साथ भी इसे खाया जा सकता है। चलो सबसे पहले मूंगफली की चटनी बनाते हैं। अब हमें मिक्सी जार में रोस्टेड मूंगफली डालनी है। मैंने इसे पहले ही रोस्ट कर लिया था हल्का। इसे डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च और गार्लिक, आधा चम्मच करीब नमक डालेंगे और चुटकी भर इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे एक चम्मच करीब। बस अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड होने के बाद इसमें हम लगाएंगे कड़ी पत्ता और राई का तड़का। यहाँ पे हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब एग भुजी बना लेते हैं पहले पराठे के लिए। अब एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को गर्म होने के बाद अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे अच्छे से हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बस ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब जो है हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच करीब इसमें नमक डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने चार अंडे लिए हुए और इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे डाल देंगे। अब अच्छे से इसकी एग भुजी बना ले ली हमने। ये देखिए एग भुजी रेडी है। अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम एग भुजी पराठा बनाएंगे। चलो पराठा बनाते हैं। लोई ले लेंगे, थोड़ी बड़ी लोई लेंगे, थोड़ा बड़ा पराठा बनाना है। जो है दो बड़ी बड़ी रोटी बनानी है तो सबसे पहले बेल लेते हैं रोटी को। बस इसे इतना ही बेलना है। मैं यहाँ पे जो है बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा तवा है। आप अपने हिसाब से वो जिस साइज का पराठा चाहिए। अब हम दूसरी रोटी बना रहे हैं। बस रोटियां बेल गई हैं। अब इसमें डाल देंगे हम एग भुजी। अब इसे अच्छे से फैला लेना है। बस अब इसके ऊपर डालेंगे हम चीज ग्रेट किया हुआ। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा आटा लगाते हैं, थोड़ा सा बेलेंगे इसको। इसे ज्यादा नहीं बेलना है, बस साइड साइड में जो हमने मोड़ा था उसको बेल लेंगे ताकि वहां साइड में भी अंडा चले जाए। अब इसमें तवे में डाल देंगे। तवा गरम हो गया मेरा, इसको आराम से इसमें डाल देना है। ये देखिए मेरा तवा जो है काफी बड़ा है तो आप अपने तवे के हिसाब से रोटी का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। बस अब इसे पलट लेंगे। ये पराठा थोड़ा बड़ा है तो हमें इसे आराम से पलटना पड़ेगा। इसके ऊपर डालेंगे ऑयल, अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए पराठा कितना बड़ा है और कितना बढ़िया लग रहा है। इतना बड़ा पराठा
देखने की खुशी ही अलग है। अब दूसरे साइड भी इसको पलट लेंगे। इसमें डाल देते हैं ऑयल, फिर से स्प्रेड कर लेंगे। आप लोगों को आइडिया लगेगी ये कितना बड़ा है। ये देखिए, मैं अपना हाथ ऊपर रख के दिखाती हूँ, देखिए कितना बड़ा पराठा बना है। अच्छे से इसे साइड में पका लेंगे। साइड साइड में थोड़ा मोटा है तो इसलिए हमें अच्छे से इसे पका लेना है। बस पराठा रेडी है, दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। वाओ, ये देखिए एक पूरा बड़े प्लेट के बराबर पराठा बना है। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसे कट कर लेंगे ताकि खाने में आसानी हो। ये देखिए सब अच्छे से कट हो गया है। पराठों को जो है मैंने कट कर लिया है और इसे हम सर्व करेंगे मूंगफली की चटनी के साथ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पराठा। आप भी इसी तरीके से पराठा बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका एग चीज पराठा कैसा बना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।